मंगलाचरण में आचार चरण दुरूहता का अनुभव कर रहे हैं। जब तक महिमा किसी को किसी का नहीं जानेंगे तो उसमें शुद्ध प्रेम नहीं होता। चित्त दृढ़ करी लागे महिमा ज्ञान लेते, अब महिमा समझ करके फिर वह साधारण जो प्रेम होता है भगवान का, मैंने उस प्रेम को समझना यदि है तो तत्व जानना पड़ेगा। तत्व के नींव पर ही रस की प्रतिष्ठा होती है। श्री कृष्ण तत्व जब तक नहीं जानेंगे तब तक मधुर लीला में प्रवेश नहीं होगा। इतना बड़ा व्यक्ति जिन श्री कृष्ण के चरण रज पाने के लिए ब्रह्मा के देवता भी तपस्या करते हैं लेकिन नहीं प्राप्त करते, अब वो कृष्ण क्या करते हैं तो छछिया भर छाछ के नाचने जाए। एक साधारण गोपी के पास जाते हैं छाछ मांगने के लिए तो कहती है ऐसे नहीं देगी छाछ, ये प्रेम। आप पीछे पड़ते हैं दे तो थोड़ा भी कहते नाम नहीं, इतना सस्ता है छाछ। तक्रम सकृश्य दुर्लभम, जानते हो ब्रज का छाछ पाने के लिए इंद्र भी तपस्या करता है, हमें छाछ मिल जाए। नंद नंदन श्री कृष्ण को भी जिस रस प्राप्ति के लिए नाचना पड़ता है। कौन कृष्ण? जिस कृष्ण को ब्रह्मा नहीं जानता, शिव नहीं जानता, इंद्र नहीं जानता। अरे जानने की तो बात छोड़ो, सुदुरूह पदा रविंद, जिन श्री कृष्ण का चरण कमल ब्रह्मा के लिए भी सुदुरूह है, चाहने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए मधुर रस को यदि समझना है तो मधुर रस से पहले कृष्ण तत्व समझना है। कृष्ण तत्व क्या है? तत्व को छोड़ने से लीला रस प्राकृत लगता है, साधारण लगता है, इसी को सहजिया कहते हैं। जब तक पूर्ण कृष्ण तत्व कोई नहीं जाने, सदाचार संपन्न यदि नहीं हो और उस रस को ऐसे ही गान करता है तो उसका फिर ग्रह नहीं। इसीलिए सबसे पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सदाचार लिखा। सदाचार संपन्न व्यक्ति इस रस का अनुभव कर सकता है। शिव ब्रह्मा ये लोग साधारण नहीं, हम लोग ऐसे शिव जी की इतनी भारी महिमा है, ब्रह्मा जी की सब भगवत अवतार है, तो ये लोग भी इस मधुर रस की कथा सुनने के लिए चाहते हैं लेकिन सुदुरूह है, यही कहते हैं। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा जानत एक। भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि हे ब्याज जी, हे सीता जी, आपके प्रेम तत्व को केवल मैं जानता हूं। तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा जानत प्रिया एक मन मोर, सोमन रहत सदा तो ही पाए। राघवेंद्र सरकार कौन है? तो राघवेंद्र सरकार वो कहते हैं कि प्रिया जी आपके तत्व को केवल मैं ही जानता हूं और दूसरा कोई नहीं जानता है। तो तत्व को छोड़ने से केवल ऐसे ही लीला का आस्वादन किया जाए तो कहते हैं वो प्राकृत रस हो जाता है। श्री राजीव गोस्वामी पाद इस श्लोक की टीका में लघु तोषणी में लिखते हैं, श्रीमद् भागवत की टीका में कहते हैं साधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य तत्व विशेष का नाम ही भगवान है। भगवान तत्व का भगवान तावद साधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य वस्तु विशेष, श्री राजीव गोस्वामी पाद कहते हैं। अर्थात मधुर रस की आराधना करना है तो पहले तत्व सुंदर होगा। इसीलिए अचानक कोई मधुर रस पढ़ना है तो पहले ईशोपनिषद पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बाणी, द्वितीय आराध्य ईश व्यास नव भांति बखानी। भगवत रसिक जी कहते हैं कि मधुर रस ऐसे पचेगा नहीं, मधुर रस यदि उसको पचाना है तो पहले भगवत गीता पढ़ो। भगवत गीता में समझ जाओगे श्री कृष्ण कौन है। अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते किमत्वा भजन्ति मां बुद्धा भाव समन्विता। कृष्ण तत्व स्वयं श्री कृष्ण अपने मुख से अपनी महिमा गा रहे कि देखो मैं कौन हूं। तो मधुर रस समझना है तो पहले भगवत गीता पढ़ना पड़े। भगवत गीता जब पूरा पढ़ लिए तो श्रीमद् भागवत पढ़, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बाणी, भगवत बाणी में भगवत गीता,
भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पढ़ो, कृष्ण तत्व समझ। तो द्वितीय आराधे इस व्यास नव भांति बखाने, तब यदि भजन करना है तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो नवधा भक्ति है उसका पालन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम जो नवधा भक्ति है इसको करो। द्वितीय आराधे इस व्यास नव भांति बखाने, इसके बाद तृतीय करे गुरु समझ। यदि मधुर रस की आराधना करना है तो वैसे रसिक महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा, अपने से नहीं होगा। उन रसिक महापुरुष इस रस को कोई पुस्तक से नहीं समझ सकता है। ग्रंथ पढ़कर सोचे कि मैं इस रस समझ जाऊं तो इस नहीं समझ सकता है। इसको समझना यदि है तो पहले महत्पुरुषों का शरण करो और रसिकों के पास जो रहता है वही जाओ। उनका कितना परफेक्ट सदाचार है। भगवान का भजन आप 64 माला कर सकते हैं लेकिन आधा घंटा भी संत के पास नहीं रह सकते, नस नस ढीला हो जाएगा। क्यों? कुछ नहीं करो, उनके साथ बैठ जाओ। संतों के पास बैठना बड़ा कठिन, क्योंकि उनके पास बैठेंगे तो उनकी उनसे तुम्हारा संसारिक वासना अपने आप हट जाएगा। अब मन नहीं करेगा संसार में जाने के, धीरे धीरे उस समय आपको इतनी बेचैनी होगी कि भाग जाए। मैं एक महापुरुष के पास रहता था तो उनके साथ यदि कोई आता था तो कहता था, ओह महाराज यदि आपका दर्शन होता है तो लगता है भगवान भी हुए। आपके साथ आधा घंटा रहता हूं तो लगता है कि 10,000 रुपया भी ले ले जान हमारा छोड़ दे। ये रसिक महापुरुषों के पास रहना बड़ा कठिन है। सदाचार संपन्न रहते हैं, तुम्हारा बोलना तुम्हारा देखना बहुत बहुत परफेक्ट ये है। देखिए मधुर रस बनाना, तृतीय करे गुरु समझ। गुरु करना है तो समझ कर। सर्वज्ञ जसील, फिर इसके बाद भूले देह सुख। संसार का सबसे पहला सुख है देह सुख। सबके देह परम प्रिय स्वामी। सब लोग संसार में जितना भी कारोबार करते हैं केवल अपने शरीर के लिए। कोई कहता है स्त्री के लिए परिवार के लिए, ना ना कोई स्त्री के लिए नहीं करता, कोई परिवार के लिए नहीं करता। उपनिषद का मंत्र है, नवारे कामाय स्वजना प्रियो भवतु आत्मनस्त कामाय स्वजना प्रियो भवतु। कोई किसी के लिए न पुत्र के लिए न घर के लिए कोई काम नहीं करता, कोई काम करता है केवल अपने के लिए। आत्मनस्त कामाय स्वजना प्रियो। हमको सुख मिलता है स्त्री से तो ठीक है, सुख नहीं मिले तो डाइवोर्स कर, हटाओ इसको, किसी को न रखो। तो केवल अपना ही सुख चाहिए। उसके बाद इस रस में जाना है तो कहते हैं पांचम सुख भूले देह सुख। ये देह सुख को छोड़ना है, रसिक होना है तो पंडित बाबा जी से सीखिए। खाने की चिंता नहीं, रहने की चिंता नहीं, ओ जित गत्वा मत्तो भवति आत्मा रामो भवति न किंचित वांछति न किंचित शोचति। जिस रस की छीटा पड़ जाए, महाराज भक्ति महारानी है, भक्ति महारानी की तो बात थोड़ी, उसका आभास भी यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो अपने आप स्वतः वैराग हो जाए। वैराग करना नहीं पड़ता है संसार, अपने आप सब कुछ छूटने लगता है, थोड़ा सा आभास हो जाए। भक्ति रसामृत सिंधु में तो लिखते हैं भक्ति की तो केवल आभास कणिका यदि प्राप्त हो जाए तो क्लेशग्नि। क्लेशग्नि का अर्थ होता है उसका जो तीन क्लेश है वो क्लेश नष्ट होता है। ये पंच क्लेश और कर्म जो है जिसके चलते हम लोगों को दुख भोगना पड़ता है, संचित क्रियमाण और प्रारब्ध ये कर्म, ये सब नष्ट हो जाते हैं। ये भक्ति प्राप्त होते ही, भक्ति प्राप्त नहीं भक्ति की आभास प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या। तो इसलिए पहले इस रस में जाना है देह सुख और फिर भावना रास की, तब रीति रस पावे हरिदास भगवत। तब वह इस रस जहां राधा सुधा निधि की चर्चा हो रही है, तब ये राधा रस सुधा निधि सुनने का अधिकार। सत्य पूछा जाए तो हम लोग सुनने के अधिकारी हैं? अधिकारी कौन है?
तो हमसे एक बहुत बड़ा भारी क्रिया हो रही जो ब्रजवास हो रहा है। ये ब्रजवास ब्रज रस की शक्ति है कि इस रस को अधिकारी दे रहा है, सुनने को मिल रहा है, वृंदावन की महिमा है, हमें कोई योग्यता नहीं। यहां तक कहा गया है कि भगवान शिव के पास नारद जी गए और नारद जी जब गए हैं वहां तो राधा रानी की महिमा जानना चाहते हैं, किशोरी जी की महिमा। शिव जी से प्रार्थना, शिव जी हाथ जोड़ दिए कि हमारे बस की बात नहीं, किशोरी जी की महिमा हुई, मैं शंकर जी का हमारे बस की बात नहीं, हम तो ब्रज में गोपी बन करके रहते हैं कि गोपियों का चरण धोली हम पर पड़े जिससे प्रिया जी की थोड़ा सा छीटा हमें मिल जाए रस की। और उन्होंने भगवान शंकर ने बताया है कि सत्य यदि पूछो, राधा रानी की आराधना करने चाहते हो तो उसको मैं मंत्र बताता हूँ। पद्म पुराण के पाताल खंड के 40वां अध्याय में भगवान शंकर ने नारद जी को गोपी भाव प्राप्ति के लिए मंत्र बताया, जिस मंत्र को कौन जपा है, दंडकारण्य के ऋषि लोग, राघवेंद्र सरकार आए हैं उनको देखे हैं लेकिन उनसे कुछ मांगे नहीं ऋषि। भगवान राम जानते हैं कि ये लोग किस लिए तपस्या करते हैं, हम उस वस्तु को दे नहीं सकते। भगवान राम देखिए कितनी दुरूह है ये ब्रजो ब्रज रसोपासना, कितना कठिन चीज है। पहले वस्तु निर्देश के द्वारा प्रकाशानंद प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदा, ये दुरूह है। इसका वैभव क्या है, ब्रह्मा या देवादी के लिए सुदुर्लभ राधा का पाद पद्म, उसी की तरह इनका ऐश्वर्य भी अद्भुत है, वृंदावन का लता पता ये सब। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ठाकुर जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इन ब्रजवासियों की जब महिमा देखता हूँ, ब्रज में रहने वाले पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे और साधारण मनुष्यों की महिमा जब देखता हूँ तो कहते हैं कि हाय ये ब्रह्मा जन्म से तो अच्छा है कि यहाँ का पेड़ बच जाओ, ब्रह्मा कहता है। इनकी वैभव प्रकाश जब देखे तदभूरी भाग्य मिह जन्म किमप्यटव्या, इन वृक्षों की महिमा तो देखो कितने भाग्यशाली हैं। जद गोकुले की कतमांग्री रजो भिषेकम, जिन चरण रज के लिए ब्रह्मादि देवता तपस्या करते हैं वो चरण रज इन लोगों को किसको प्राप्त है, तो इन पेड़ पौधा लता पता खोखा, इन्हीं लोगों का जन्म सार्थक है, ब्रह्मा का जन्म सार्थक नहीं है। ब्रह्म जन्म की अपेक्षा करोड़ गुना सौभाग्यशाली वृंदावन का लता पता है, नहीं चाहने पर भी इन लोगों को ब्रजरस की प्राप्ति हो रही है। किस रज की, अब इस रज की महिमा तो देखिए, तो कहते हैं जत पद रज श्रुति मृग्य में, जिनके पद रज की महिमा आज तक श्रुतियां भी नहीं जान पाए, उस रज की महाराज जी वृंदावन का रज है ना जो देख रहे हैं, ब्रज रज। एक महात्मा कहते थे कि तीन वस्तु डायरेक्ट गोलोक से आया है, इसकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता। एक जगन्नाथ जी का भात डायरेक्ट गोलोक से आया, लक्ष्मी जी बनाती हैं और ठाकुर जी का प्रसाद, एक ही प्रसाद है जगन्नाथ जी का प्रसाद दुनिया। और दूसरा गंगा जी का जल, गंगा जी कौन है, तो साक्षात ब्रह्म ही जल रूप में प्रवाहित हो रहा है। भाई जी कहते थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते थे, ये गंगा जल नहीं है, पाप काटने का आरा है, मशीन है, ऐसा गंगा जल। जगन्नाथ जी का भात ये कौन है, अन्न ब्रह्म, ये ब्रह्म ही अन्न के रूप में है। और एक जल ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म ही जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है, ये गंगा जल। और तीसरा है ये वृंदावन का रज, ब्रज रज, ब्रज रज। ब्रज कहते हैं ब्रह माने ब्रह्म, ज माने रज, अर्थात ब्रह्म ही यहाँ रज बन करके रहता है। ब्रह्म की महिमा है, वृंदावन की महिमा, रज की महिमा इतनी भाग है इसकी कोई बता नहीं सकता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी इस श्लोक की टीका में सारार्थ दर्शनी में कहते हैं
कि ब्रह्मा के पास इतना हिम्मत नहीं है कि किसी ब्रजवासियों के पास जाकर के कह दे कि हमको अपना चरण रख दे, क्योंकि बड़ा भारी अपराध कर दिया है ब्रजवासियों के चरण कमल में, ब्रजवासियों को छुड़ा लिया, गुफा में डाल दिया, तो डर गया। तो चरण रज की कामना करने की साहस नहीं, चक्रवर्ती बाजी कहते हैं। तो गोकुल के सीमा के बाहर नीच जाति की स्त्रियां वास करती हैं और उनकी पदरज सर्वांग हमको मिले, इसके लिए मुझको कोई उपाय करना चाहिए। ब्रह्मा जी सोच रहे, मान तो सकते नहीं, तो साधारण लोग हम पर चढ़े अपना लात मारे, तो लात खाने के लिए, पैर को चोट खाने के लिए ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा, अरे महाराज इस विश्व ब्रह्मा है, विश्व मालिक संसार के, सृष्टि करता ब्रह्मा। वो कहते हैं कि हमको बस पत्थर बना दे। आदि पुराण में लिखा गया है, इसीलिए तस्मात ब्रह्मा पर्वतो भूत वृषभानुपुर स्थित, इसीलिए ब्रह्मा पर्वत बन गया वृषभानुपुर बरसाना के काम, और वहां रहकर क्या करते हैं? तो सब ब्रजवासियों का लात खाते रहते हैं, यही करते हैं ना, सब लोग चढ़ते हैं लात मारते हैं। एक दिल्ली की माता जी थी, स्त्री थी, वो बरसाने में आई और बरसाने में जाकर के एक बरसाना का पत्थर लेकर के दिल्ली चली गई, तो उसके घर में उलझ गई। तो पत्थर कहता है कि देखो मैं बहुत तपस्या करके ब्रजवास करने के लिए पत्थर बना, और तुम उसको यहाँ ला दी, जल्दी अभी अभी तुरंत ले जाकर के ब्रज में पहुंचा। इसलिए वृंदावन की एक तिनका को भी ब्रज से बाहर ले जाने पर अपराध लगता है, कुछ भी नहीं ले जाता, इतनी यहाँ का पेड़ पौधा ये सब अलौकिक वस्तु है। अब ब्रह्मा की हिम्मत नहीं है ब्रजवासियों की चरण रज पाने के लिए, इसीलिए कहते हैं कि मैं इन लोगों का चरण प्राप्त करूं, इसलिए पत्थर बन जाए। और साक्षात भगवान यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ब्रज में पत्थर बनकर वास करते हैं। नंदगांव का जो पर्वत है वो साक्षात शंकर जी, और बरसाना का जो पर्वत है वो ब्रह्मा जी, और साक्षात भगवान विष्णु पर्वत बनकर के गिरिराज के रूप में वास करते। ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा दुनिया में कोई तीर्थ होगा जहां शंकर जी की कितनी स्तुति होती है, ब्रह्मा की, विष्णु की, आए तीनों देवता ब्रज रज प्राप्त करने के लिए पत्थर बने हुए हैं। ये अब देखिए कहते हैं, सर्वार्थ सार रस वर्ष कृपार्थ दृष्टे तस्या नमस्तु वृषभानुभूयो दिशेत। देखिए श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, कस्यानुभावस्य न वेद विद्मः। नाग पत्नियां कहती हैं कि हे प्रभु, आपका जो श्री विग्रह है, आपका चरण रज है, इसकी महिमा भला कौन जान सकता है? लक्ष्मी को कितना बड़ा सौभाग्य भगवान दिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन है? विष्णु की पत्नी। अपनी पत्नी को लोग घर मकान बनाकर रखते हैं, भगवान कहे कि नहीं हमको विश्वास नहीं, हम घर में उसको क्यों रखे। लक्ष्मी को भगवान कहाँ रखते हैं? कहते हैं छठी श्री वत्स जी, श्री जी का चिन्ह। लक्ष्मी को अपने छाती पर स्थान दिए। लक्ष्मी के भी बहुत चेले चाले हैं। लक्ष्मी के कितने चेले हैं? अरे चीटी से लेकर ब्रह्मा तक सब तो पैसा चाहता है, जितने सब लक्ष्मी के चेले। लक्ष्मी इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि भगवान के छाती पर रहती है, हजारों लोग बड़े बड़े देवी देवता भी प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो जाओ। भगवान का दिया हुआ स्थान और अपने हजारों चेलो चालियों को छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके, नारायण की पत्नी होने के बावजूद भी वो सब छोड़ करके कहाँ रहती है? ब्रज में, जानते हैं ना, बेलवन में रहती है, जमुना उस पार मंदिर है, लक्ष्मी का मंदिर है, और इसी के लिए रहती है कि हमको ब्रज रज की प्राप्ति हो जाए, लेकिन मिला नहीं, इसका प्रमाण कहीं नहीं है। आज तक केवल लक्ष्मी तपस्या ही कर रही है, मिला नहीं।
लक्ष्मी देवी माधुर्यमयी राधा रानी की पद रेणु की अभिलाष प्रार्थना न करके साक्षात कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, इसीलिए यहाँ ठाकुर भी मिले नहीं, राधा रानी भी नहीं, इसीलिए ब्रज की आराधना है। कृष्ण को यदि कृष्ण से शादी करना चाहता है तो गाड़ी नहीं चलेगी, कृष्ण से शादी करना है तो ब्रज को छोड़ना पड़ेगा, द्वारिका जाना पड़ेगा, ब्रज में नहीं। ब्रज में श्री कृष्ण से वही मिल सकता है जो राधा रानी का दासी बनना चाहे। अभी जाइए बस गोवर्धन से आगे पैठा गांव, पैठा गांव गए आप लोग? पैठा गांव में भगवान नारायण का चतुर्भुज नाथ का मूर्ति है। लक्ष्मी कहेगी जब चार भुजा में है तो हमको साथ लीजिए, चार भुजा तो बाबांग में मैं बैठूं, जबरदस्ती बैठ गए, लक्ष्मी आकर के बैठ गए। उसी समय राधा रानी आ रही, राधा रानी को देख कर भगवान विष्णु भगवान नारायण कहने में तो राधा रानी वृंदावन का है, वृंदाया राधाया बनम वृंदावनम, ये वृंदावन लक्ष्मी का वन, किसी का राधा रानी का वन, और यहाँ लक्ष्मी भगवान के वामांग में बैठा है, सद हो नहीं सकता है। राधा रानी को देख करके लक्ष्मी जी घबरा गई, मैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों घबराओ, हम लोग क्या करें। तो लक्ष्मी आज तक राधा रानी के डर से कुआं में घुस गई, लक्ष्मी कूप है वहां, लक्ष्मी वहां कोप में बैठी हुई है। तो ये बिना गोपियों की, गोपी माने राधा रानी की कृपा के बिना कोई ब्रज रस की प्राप्ति नहीं हो सकता है। गोपी अनुगति बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजले नाही पाए ब्रजेंद्र नंदन, बिना अनुगोपियों की अनुगति प्राप्त किए, बिना राधा रानी की चरण कमल की आराधना किए, कोई सोचे कि हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर ले तो इसका प्रमाण है लक्ष्मी आज तक तपस्या कर रही है श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, लेकिन भजिले नहीं पाए ब्रजेंद्र नंद, प्राप्त तपस्या करने पर भी नहीं। ताहते दृष्टांत लक्ष्मी करिला भजन, इसका प्रमाण है लक्ष्मी भजन कर रही तथापि न पाईला ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। यहां पर रजो रज की आराधना, रज की पूजा होती है, ब्रजरथ माने राधा रानी की चरण रेणु की आराधना होती है, अर्थात बिना आराधना किए किशोरी जी की, राधा रानी की पद रेणु की आराधना किए बिना विष्णु नारायण लक्ष्य विलासिनी लक्ष्मी को भी नहीं मिल सकते। यहाँ तक कि भगवान शंकर कहते हैं गौर तेजो बिना जस्तु श्याम तेज समर चहे जपेद वा ध्यायते वापि सब भवे पातकी शिवे। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, गौर तेज के बिना राधा रानी की आराधना छोड़ करके जो कृष्ण की आराधना करता है वो पापी है। शंकर जी कहते हैं सब भवे पातकी शिवे, उसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। कृष्ण की आराधना करना है तो पहले राधा रानी, राधा रसुधा निधि में ही प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जो राधा रानी को छोड़ करके कृष्ण की आराधना करना चाहता है वैसे ही अमावस्या में चंद्रमा खोजना चाहता है। अमावस्या रात्रि में चंद्रमा मिलेगा तो राधा रानी के बिना ये कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए सब महात्मा लोग खास करके श्रीमद् भागवत में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है कि भैया यदि कृष्ण की प्रेम प्राप्त करना है तो राधा रानी की चरण कमल करो। अरे छोड़ो इन देवताओं को, श्री कृष्ण को देखो, ये श्री कृष्ण भगवान जिनको कहते हैं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, इनकी क्या स्थिति है। तो यह भी निकुंज दरवाजा पर खड़े रहते हैं, हिम्मत नहीं होती कि निकुंज मंदिर में प्रवेश करें। यह श्री कृष्ण भी प्रिया जी की चरण कमल की आराधना करते हैं, तो चरण कमल की आराधना करने से क्या इनकी महिमा घट गई तो नहीं बढ़ी। राधा रानी की आराधना करने से श्याम सुंदर की महिमा घटी, अरे रसिकेंद्र मुकुटमणि हो गए, श्री कृष्ण का नाम है रसिकेंद्र। श्री रूप गोस्वामी पाद लिखे हैं कि एक बार प्रिया जी मानवी हो गई, रुठ गए, प्रिया जी को मनाने के लिए सब सखियां प्रयत्न कर रही हैं, प्यारे श्याम सुंदर विविध रूप धारण करके प्रिया जी को मनाना चाहे, लेकिन प्रिया जी का मान भंग नहीं हुआ। ललिता सखी देखी कि अब तो काम बिगड़ रहा है, प्रिया जी मान अपना कर नहीं रही, छोड़ नहीं रही है, तो प्यारे श्याम सुंदर से कहे कि तुम एक काम करो,
तो कहे कहो जो कहो करने। हम तो प्रिया जी को मनाने के लिए 24 अवतार धारण किए हैं। लोग कहते हैं पृथ्वी का उद्धार करने के, ना ना, हमारा एक ही लक्ष्य है प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए मत्स्य 12 अंश सिंह 52 रूप धारण किए। अब कहो कोई अवतार धारण कर लो, प्रिया जी मान जाए। तो प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के पास आए और फिर किशोरी जी माननी हो गई थी और श्री कृष्ण की सखियां की सहायता से प्यारे प्रिया जी कही कि ठीक है अब कैसे मान तोड़ेंगी। तो ललिता सखी कही कि एक उपाय मैं बताती हूँ तुझको, तुम आओ। प्रिया जी कृष्ण के विरह में उन्मादिनी हैं, बेहोश है, अलीपुंज मंदिर में बैठी हुई हैं, और आप आकर के प्रिया जी के चरण को अपने सिर पर धारण करो। ललिता सखी कहती है, उपाय बताती है। तो प्यारे श्याम सुंदर आए और उस समय प्रिया जी श्री कृष्ण के विरह में उनका हृदय शरीर इतना तप्त था कि पैर में लगा हुआ जो महावर था पसीना से बह रहा था। और प्यारे श्याम सुंदर जब प्रिया जी के चरण पर रखे तो श्रीमती के चरण धर्मार्थ जो जावक था अलता था वो प्यारे श्याम सुंदर के सिर पर लगते। ये लाल लगने से श्याम के चरण में लाल रंग, प्रिया जी के जावक का जो रंग लग गया, उसी दिन चरण मस्तक पर रखते ही प्यारे श्याम सुंदर का एक नाम हुआ रसिकेंद्र मौली। प्यारे श्याम सुंदर का नाम हुआ रसिकेंद्र। प्रिया जी यह उनका अपकर्ष नहीं है। यदि प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी की चरण कमल की आराधना करते हैं या अपने सर से श्री प्रिया जी के चरण कमल को लगाते हैं तो आचार्य चरण रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ये अपकर्ष नहीं बल्कि परमोत्कर्ष है। ये श्री कृष्ण की उत्कर्षता कि ये सुदुर्लभ वस्तु को अपने सिर पर धारण कर लिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान का स्वभाव है, अरे वो तो प्रिया जी हैं, जो भी राधा रानी की किंकरियां हैं उन किंकरियों के चरण रज प्राप्त करने के लिए प्यारे श्याम सुंदर अनुप्रजा में हम नित्यम पूयत यंग ऋण। देखिए कोई भी महात्मा अपनी सारी आसक्ति को छोड़ करके निष्काम भाव से प्यारे श्याम सुंदर की आराधना करता है तो भगवान मन ही मन सोचते हैं कि हमारा प्रतिज्ञा है जे यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम, जो मुझको जिस भाव से भजन करता है मैं भी उसको उसी भाव से भजन करता हूँ। लेकिन ये महात्मा लोग तो सर्वस्व ताज करके निष्काम भाव से मेरी आराधना कर रहे हैं, मैं तो ऐसा कर सकता नहीं। हम तो सब कुछ त्याग करके इनके अनुकूल भजन नहीं कर सकता हूँ। तो इनकी प्रीति के लिए, इन अपने ऋण से उऋण होने के लिए प्यारे श्याम सुंदर क्या करते हैं, अनुब्रजा में हम नित्य पूरे ऋण। भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। लक्ष्मी जी पूछती हैं कि आप इन लोगों के पीछे क्यों चलते हैं, तो कहते हैं तो अंग्रे रेणु भी इनके चरण कमल चरण धूली हमारे सिर पर पड़े। तो सिर पर पड़ने से क्या, तो जो हमारा प्रतिज्ञा फेल रहा है सब फेल हो रहा है, उसके अपराध का संबंध है। हमारा प्रतिज्ञा क्या है, तुझे यथा मां प्रपद्यन्ते, जो मुझको जिस भाव से भजन करता है मैं भी उसको उसी भाव से भजन करता हूँ। ये लोग तो निष्काम हो गए, हम तो निष्काम हुए नहीं, इसलिए इन महात्माओं के चरण रज की मैं आराधना करता हूँ, मैं इनके पीछे पीछे चलता हूँ। भक्त्या निष्कृति दोषात, इस श्लोक के टीका में जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं तद भक्त्या निष्कृति दोषात पवित्रित स्याति भावे नित्यर्थ, अर्थात भक्त जन सदा जिस निष्काम भाव से भरा भजन करते हैं उनके उस निष्काम भजन के अनुरूप प्रतिदान कुछ न देखा पाकर। निष्कामी भक्त के पीछे भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है लेकिन भक्त कुछ लेता नहीं। अंत में कहते हैं ठाकुर जी आओ मैं ही अपने आप को देता हूं, पर हमको तुमसे कोई मतलब नहीं। तब भगवान कहते हैं कि यार जब हम अपनी जितनी संपत्ति देने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि जो मुक्ति है शास्त्री सामिप्य सारूप इत्यादि मुक्तियां है वो भी देने के लिए तैयार हूँ, या मेरा भक्त वह भी नहीं ले रहा है, खुद अपने आप को देना चाहता हूँ कि मुझको ही ले लो, फिर मुझको भी लेना नहीं चाहता है, तब भगवान कहते हैं आह अब ऐसे भक्त का चरण रज मंत्र पद भूली मर कर भक्ति की अनिष्कृत दोष से मुक्त हुआ करता हूँ। भगवान कहते हैं
हम में जो दोष बन जाता है उन महापुरुषों की चरण रज की आराधना करता हूँ। हम भक्तन के दास भगत मेरे मुकुट मंडला है। वैसे महापुरुषों को भगवान खोजते रहते हैं। एक गोपी की महिमा, एक गोपियों की महिमा के लिए लक्ष्मी की महिमा बताया गया है। यहां तक श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि श्रीवास पंडित लक्ष्मी की खूब महिमा का है। इसको सुन करके स्वरूप दामोदर राय रमानंद राधा रानी की महिमा का है। विल्लभ मंगल ठाकुर कहते हैं कि चिंतामणि चरण भूषण मंगलालम श्रृंगार पुष्परस तरव प्राण। वृंदावन का जो महिमा है, ये वृंदावन की महिमा को जानने के लिए कहते हैं कि ये जो चिंतामणि है, चिंतामणि जिसको कहते हैं, खैर हम लोग तो चिंतामणि देखे नहीं है, देखा है कोई? कोई नहीं देखा है ना। एक ऐसी मणि है कि जिस मणि के पास आप जो कुछ भी कह देंगे तुरंत मिल जाए, ऐसा मणि तो अभी किसी को प्राप्त नहीं। तो चिंतामणि यदि किसी को प्राप्त हो जाए, चिंतामणि, तो चिंतामणि को ऐसा स्पर्श करके जो संसार की इच्छा जो आप कहें वो दे दिया। लेकिन एक उस चिंतामणि से भी श्रेष्ठ चिंतामणि क्या है, ये ब्रज रस, ये वृंदावन का रज है महाराज, ये चिंतामणि है। यहाँ जो इच्छा करो वो मिलेगी। मैं देखता हूं कि वृंदावन घर द्वार से ऐसे ही महात्मा लोग आते हैं, उनके मन में संसार की इच्छा होता है कि हमको मठ मिल जाए, मंदिर मिल जाए, महंत बन जाऊं। तो महाराज मैं देखता हूं दो दिन में उनको प्राप्त करता हूं। ये वृंदावन में आकर के जो संसारिक इच्छा करता है फिर मारा जाता है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, अभी का मैं बता देता हूं, मैं उन महात्माओं को जिनके पास कुछ भी नहीं, केवल वृंदावन में इच्छा की और इच्छा तुरंत फल होती, इच्छा हुआ कि मैं पूरा दुनिया में प्रचार करूं वृंदावन का आश्रय ले ली, इच्छा हुआ पूरा हो गया। बहुत बहुत लोग आए हैं लेकिन इस तुच्छ इच्छा करके मारे गए। प्रिया जी की केली प्राप्त की इच्छा नहीं, इसीलिए इस ब्रज में, इस चिंतामणि धाम में किसी प्रकार की इच्छा मत करना। श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, एक गोस्वामी है ना, यह गढ़ ये ब्रज में रह लेकिन किसी प्रकार की इच्छा नहीं की। यहां तक कि एक बार स्वयं किशोरी जी रूप गोस्वामी पाद के लिए खीर बना दी तो सनातन गोस्वामी डांट, अरे तू ब्रजरस ब्रज में रहता है, जो तुम्हारी आराधिका है उसी से तू सेवा ले रहा है। जो महात्मा कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं है, प्रिया जी उनकी सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन इच्छा नहीं करते, यही है। इसी को कहते हैं मधुर रस। मधुर रस में किसी प्रकार की इच्छा भी नहीं। हमको प्रिया जी एक बार प्रेम से बोले अभी इच्छा नहीं, बस हम उनकी सेवा करें, यही है। ये वृंदावन का है कि वृंदावन साहजिक जे संपत्ति सिंधु द्वारिका वैकुंठ संपत्ति तार एक बिंदु, ये वृंदावन की महिमा। हम लोग ब्रज में रह रहे हैं लेकिन ब्रज की महिमा नहीं समझ रहे, ये ब्रज की इतनी महिमा है, ये चिंता